आज आप सीखेंगे 34 इंच का ब्लाउज कटिंग करना। इसका मैं बैक साइड वी शेप रखूंगी और फ्रंट साइड में ओपन रखूंगी और बैक साइड में मैं बॉर लगाऊंगी। तो पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि जैसे अगर आप सिंपल रखेंगे वी शेप तो उसमें आप डोरी लगा सकते हैं, और अगर जैसे आप बांधने वाला बनाएंगे या तो फिर उसमें वॉल लगाएंगे तो उसमें डोरी नहीं लगता है, उसका लुक खराब कर देता है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगी किस टाइप से आप कटिंग करेंगे जो आपका शोल्डर बिल्कुल नहीं गिरेगा, किस तरह से आपको शोल्डर लेना है, किस टाइप से आपको आर्मोर लेना है, सारा मैं डिटेल में बताऊंगी। मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन रखिएगा, जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगी वैसे आप तक पहुंच जाएगा और वीडियो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो देखिए ये हमारा मेन फैब्रिक है और ये हमारा अस्तर है, ठीक है। और ये जो हमारा कपड़ा है ये बनारसी टाइप में है, देखिए। तो पहले हम अस्तर को कटिंग करेंगे, उसके बाद हम कपड़े को कटिंग करेंगे, ठीक है। अभी कपड़े को मैं साइड में रख देती हूँ और पहले मैं अस्तर कटिंग करूंगी। देखिए कपड़े को आपको इस टाइप से डबल करना है जैसे मैं डबल करके रखी हूँ, और मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपका कपड़ा मुड़ा हुआ है तो पहले आप प्रेस कर लीजिएगा, और अगर आपके पास प्रेस नहीं होगा तो तह लगा के आप बेड के नीचे किसी के नीचे दबा दीजिएगा तो बहुत अच्छे से ये कपड़ा सीधा हो जाएगा, ठीक है। मुड़ा कपड़े में आप कटिंग नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपका इधर उधर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ब्लाउज का लेंथ लेंगे हम। तो ब्लाउज की लंबाई मैं ले रही हूँ यहाँ 15 इंच, 1.5 इंच में एक्स्ट्रा रख रही हूँ, 13.5 इंच हमारा फिटिंग है, 1.5 इंच में एक्स्ट्रा ले रही हूँ, ठीक है। तो इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। अब हम शोल्डर का नाप लेंगे। तो देखिए शोल्डर का नाप मैं ले रही हूँ यहाँ से 5.5 इंच, 5.5 इंच में निशान लगा दी। तो पहले आप समझ लीजिए, देखिए जैसे कि हम 34 इंच का ब्लाउज कटिंग करें तो यहाँ से मैं 5.5 इंच शोल्डर रखी, ठीक है, जिसमें से देखिए यहाँ 3 इंच में शोल्डर को रखूंगी और 2.5 इंच यहाँ से हम गले की चौड़ाई, 2.5 इंच गले की चौड़ाई हो गया और 3 इंच यहाँ शोल्डर हो गया, ठीक है। तो ये 34 इंच का ब्लाउज है तो हम इतना चौड़ाई इसका ले लिए, ठीक है। अगर जैसे 36 इंच का ब्लाउज है कटिंग करेंगे जैसे वी शेप तो आप यहाँ से 6 इंच रखिए, ठीक है। 3 इंच आप यहाँ शोल्डर को छोड़ दीजिए और 3 इंच आप यहाँ से गले की चौड़ाई छोड़ दीजिए, ठीक है। और अगर आप 38 इंच का कटिंग करेंगे तो आप 6.5 इंच रखिए, 3 इंच आप यहाँ छोड़ दीजिए, यहाँ आपको 3 इंच ही छोड़ना है और बाकी का आपको गला छोड़ देना है, ठीक है, ठीक है। तो इसी तरह से आप ले लीजिएगा, जैसे जिस साइज का ब्लाउज होता है उस तरह से हम शोल्डर लेते हैं। अब वी शेप में आपको मैं बता रही हूँ, जब आप वी शेप करेंगे तभी आपको ऐसा लेना है, ठीक है। और अगर आप इससे कम साइज की कटिंग करेंगे जैसे कि 32 इंच का या तो 30 इंच का, तो यहाँ से आप 2.5 इंच ही रखिए, ठीक है, यहाँ से 2.5 इंच रखिए और यहाँ से 3 इंच, टोटल 5.5 इंच आपको रखना है, ठीक है। कम यहाँ से आपको नहीं करना, अगर आप कम कर देंगे तो फिर यहाँ से वी शेप नहीं बन पाएगा, ठीक है। और इससे आप हेवी बनाएंगे तो आपको बढ़ाना है जैसे मैं आपको बताई, ठीक है। अब हम शोल्डर का नाप लेंगे, देखिए तो यहाँ ले रही हूँ मैं 5.5 इंच। अब इस निशान को हम बॉक्स बना लेंगे। तो इस तरह से मैं बॉक्स बना ली। अब आपको क्या करना है वो आप समझिए, देखिए यहाँ से 1/2 इंच आपको अंदर करना है, ठीक है, इस तरह से अंदर तरफ आपको निशान लगाना है और यहाँ से फिर तिरछा निशान मिला देना है। तो देखिए 1/2 इंच यहाँ से अंदर के फिर इस निशान को हम यहाँ तिरछा मिला दिए, ठीक है। तो ये आपको सिंपल ब्लाउज में नहीं करना है, इसे आपको करना है कॉलर वाला ब्लाउज में और बॉट नेक में, और जब आप वी शेप कटिंग करेंगे तब आपको इस तरह से 1/2 इंच अंदर करना है, ठीक है। अगर आप सिंपल ब्लाउज कटिंग कर रहे हैं तो आपको अंदर नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद इस कोने से हम नाप लगाएंगे, 1.5 इंच का राउंड देंगे। अब हम चेस्ट का नाप लेंगे। तो जैसे कि चेस्ट हमारा है 8.5 इंच, जैसे मैं आपको बताई कि ये 34 इंच का ब्लाउज है तो उसका चौथाई भाग में 8.5 इंच हुआ, तो 8.5 इंच में निशान लगा दी और यहाँ से 2 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है। अगर आपके पास कम कपड़ा है तो आप 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। तो इस निशान को मैं सीधा कर दी जो हम एक्स्ट्रा लिए थे तुरपाई में मोड़ने के लिए। अब आपको गले पे ध्यान देना है। तो देखिए यहाँ से इस तरह आपको नाप के देख लेना है कितना आपको रखना है, जैसे कि 10 इंच, 10.5 इंच या 11 इंच, ठीक है, जितना आपको पसंद होगा। मैं यहाँ रख रही हूँ 10.5 इंच, ठीक है। अब यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे इस टाइप से मिलाते हुए, देखिए तिरछा मिलाते हुए, और इस तरह निशान आपको लगा देना है।
तो देखिए इस तरह से मैं निशान लगा दी। इसी तरह से आपको इंची टेप को रखना है यहाँ से यहाँ मिला करके और यहाँ से निशान लगा देना है, ठीक है। तो ये आपका बहुत आसानी से वी शेप आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ भी आपको ध्यान देना है कि बैक साइड में आपको कितना रखना है। जैसे कि यहाँ देखिए ये हमारा बच रहा है 3.5 इंच, ठीक है। अगर आपको 3 इंच पसंद है तो 3 इंच भी रख सकते हैं, अगर 2.5 इंच पसंद है तो 2.5 इंच भी आप यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको 4 इंच पसंद है तो 4 इंच रखिए। जैसे बहुत लोगों को यहाँ कम रखना पसंद है, बहुत लोगों को यहाँ ज़्यादा रखना पसंद है, तो जैसा आपको पसंद होगा वैसा आप रख लीजिएगा। यहाँ मैं रख रही हूँ 3.5 इंच, ठीक है। अब यहाँ हम डॉट का निशान लगा रहे हैं, जैसे कि 5 इंच पर आपको लगाना है, ठीक है। देखिए और यहाँ से 3.5 इंच ऊपर करेंगे हम। तो इसे अब हम कटिंग कर लेते हैं। तो इसे मैं कटिंग कर ली और इसका गला देखिए कितना सुंदर इसका वी शेप आया है। तो इसी तरह से आप कटिंग कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग बताती हूँ। तो इसी तरह से कपड़े को आपको डबल रखना है। देखिए यहाँ से हमारा बैक पार्ट निकला है और इसी के सेंटर में हम फ्रंट पार्ट को कटिंग करेंगे। तो देखिए कपड़ा डबल है हमारा, इसके ऊपर हम बैक पार्ट को रख देंगे। तो देखिए इसके ऊपर मैं बैक पार्ट को रख दी। तो यहाँ से आपको ध्यान देना है कि जैसे हमारा बैक पार्ट का गला 2.5 इंच के गैप में था, तो यहाँ भी हम 2.5 इंच के गैप में ही रखेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से आपको नाप के देख लेना है, देखिए 2.5 इंच के गैप में ही होना चाहिए। तो ये मैं निशान लगा दी। उसके बाद हम आर्मोल तरफ सेम निशान लगा देंगे। तो यहाँ मैं सेम निशान लगा दी। अब आपको क्या करना है, ये बैक पार्ट को उठा देना है, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान देना है, देखिए आगे का गला का। तो आगे का गला हम रखेंगे 6 इंच। तो यहाँ मैं आगे के गले में गुलाई लगा दी। जैसे कि अगर आगे के गले में आपको वी शेप करना है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपको अगला वीडियो में बता दूंगी। इसमें मैं अभी गोल शेप ही रखूंगी, ठीक है। उसके बाद हम तीरा का लंबाई लेंगे। ये हमारा बेल्ट वाला ब्लाउज है और जैसे कि देखिए बैक पार्ट हमारा था 15 इंच लंबाई, तो उससे हम 3 इंच माइनस करके लेंगे। तो यहाँ मैं लूँगी 12 इंच और 1/2 इंच में एक्स्ट्रा रखूँगी जो यहाँ हमारा दब जाएगा शोल्डर में, ठीक है। तो जितना आपका बैक पार्ट का लंबाई होगा ब्लाउज का बैक पार्ट का, उससे फ्रंट पार्ट आप 3 इंच कम लीजिएगा, ठीक है, अगर आपको बेल्ट वाली ब्लाउज बनाना है तो, ठीक है। तो देखिए मैं 12.5 इंच पे निशान लगा दी, ठीक है। तो देखिए बेल्ट यहाँ से हमारा नहीं निकल रहा, यहाँ से हमारा कपड़ा नहीं है, बेल्ट आप अलग से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं आपको अलग से निकाल के दिखाऊंगी। तो देखिए इस निशान को मैं सीधा कर ली। उसके बाद आपको यहाँ से गुलाई लगाना है, इस टाइप से यहाँ से गुलाई देना और यहाँ 1/4 इंच के 1 इंच के ऊपर करना है, ठीक है, ऐसे गुलाई देते हुए। तो इधर से गले तरफ से आपको करना है, ठीक है। अब मैं आपको टक्स के निशान लगाना बताती हूँ। तो देखिए जैसे ये 34 इंच का ब्लाउज है तो यहाँ हम 1/4 इंच पर लेंगे, ठीक है। ये मेन टक्स होता है और ये जरूरी होता है। अगर ये टक्स आप ज़्यादा दूर तक ले लेंगे तो ये साइड में पफ बन जाएगा आपका, फिर ये ब्लाउज आपको पहनने में अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये टक्स पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा। और जैसे अगर आपको हर साइज की जानकारी लेना है मेरे चैनल में आप देखिए, मैं हर साइज का बताई हूँ एक एक पार्ट डिटेल में, और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी और कमेंट में दे दूंगी, वहाँ से भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको यहाँ से 2.5 इंच दूरी निशान लगाना है, इस तरह से 2.5 इंच ऊपर में निशान लगाए और फिर यहाँ से हम 2-2 इंच के गैप में निशान लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से मैं निशान लगाई और मैं आपको पहले समझा देती हूँ कि ये जो निशान है ये चूड़ी टाइप में बनना चाहिए, ठीक है, गोल शेप में यहाँ बनना चाहिए, ये नहीं कि एक इधर बन गया उधर, ऐसे में आपका पफ सही से नहीं बनेगा। तो देखिए इस तरह से निशान लगा के आपको देख लेना है, ये गोल शेप में आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इस निशान को आप इधर मिला दीजिए, यहाँ से 2 इंच ऊपर, 1.5 इंच 2 इंच ऊपर आपको मिलाना है। और इस निशान को हम इस कोने में मिला देंगे आर्मोल के कोने में, और इस निशान को हम इधर मिला देंगे, ठीक है, यहाँ और यहाँ के बीच में हल्का तिरछा करते हुए, ठीक है। और मैं आपको बताती हूँ कि देखिए ये हमारा बैक पार्ट राउंड था तो सेम हम राउंड यहाँ लगा देंगे। तो देखिए फ्रंट पार्ट में 1/2 इंच आपको एक्स्ट्रा राउंड लगाना है। देखिए 1/2 इंच हम यहाँ अंदर करेंगे,
इस तरह से, ठीक है। अब इसे हम कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रंट पार्ट को मैं कटिंग कर ली। अब मैं आपको बेल्ट कटिंग और आस्तीन कटिंग बताती हूँ। तो इसमें हम लंबा आस्तीन निकालेंगे, जैसे कि 11 इंच का, ठीक है। तो देखिए आपको किस टाइप से कटिंग करना है। देखिए इस तरह से अगर हम फोल्ड कर रहे हैं, इस तरह से डबल फोल्ड, पहले डबल फोल्ड और फिर से हम फोल्ड कर रहे हैं, तो यहाँ से हमारा चौड़ाई जो है वो कपड़ा कम पड़ जा रहा है, ठीक है। फिर साइड से जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए इस तरह हम नहीं कटिंग करेंगे, हम इस टाइप से कटिंग करेंगे। देखिए अब अच्छे से समझिएगा तो आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। देखिए इस तरह से हम करेंगे, यहाँ से हम कपड़े को डबल करेंगे जितना हमें चौड़ाई में चाहिए, ठीक है। देखिए ये हम डबल कर दिए, तो यहाँ हम नाप के देख लेंगे, हमें चाहिए 8 इंच। तो देखिए यहाँ से हमारा 8 इंच हो जा रहा है। तो ये जो हम आर्मोल में ज्वाइंट करेंगे वो वाली चौड़ाई है, ठीक है। तो इस तरह से हम डबल कर दिए। उसके बाद आपको क्या करना है वो देखिए, फिर यहाँ से आपको उठाना है और इस तरह से लंबाई में आपको डबल कर देना है। देखिए इस टाइप से हम डबल कर दिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आस्तीन की लंबाई जो हम अपना मर्जी से पहनते हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ से हम नाप के देख लेंगे, हमें चाहिए 11 इंच। देखिए ये हमारा 11.5 इंच है, 1/2 इंच हमारा ऊपर से दब जाएगा, 1/2 इंच हमारा नीचे से दब जाएगा, तो यहाँ हमारा 10.5 इंच आस्तीन बच जाएगा, ठीक है। कहनी तक हमारा आस्तीन आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको फिर से बता रही हूँ, देखिए यहाँ से मैं डबल की इस टाइप से जितना आपको चौड़ाई में चाहिए, अगर और चाहिए तो यहाँ से आप बढ़ा के ले सकते हैं, ठीक है। और फिर हम यहाँ से डबल कर दिए। तो इसी तरह से आपको डबल कर लेना है। और देखिए बीच भाग आस्तीन का हमारा इधर है और इसका ऑपोजिट साइड से हम राउंड देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम आस्तीन को 3.5 इंच डाउन करेंगे, जैसे कि मैं आपको बताई थी कि लंबा आस्तीन में 3 इंच आपको राउंड करना है, 3.5 इंच, ठीक है। तो इधर से हमारा उल्टा पड़ रहा है, हम इधर से इसे घुमा लेंगे। तो देखिए आस्तीन को मैं कटिंग कर ली। जब हम यहाँ से नाप ले रहे थे, ड्रॉ कर रहे थे, तो उस टाइम कैमरा अचानक ऑफ हो गया, तो इसके लिए सॉरी। अब मैं आपको बेल्ट कटिंग करके बताती हूँ। देखिए ये कपड़ा हमारा डबल है, उसके बाद देखिए जो आपका फ्रंट पार्ट जो पहले आप कटिंग करके रखी है उसे आप इसके ऊपर इस तरह मिला के रख दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको मिलाते हुए रखना है। और देखिए यहाँ से 1 इंच हमारा कम पड़ रहा है बेल्ट में, तो जैसे यहाँ हम पकड़ के सिलेंगे 1 इंच, तो यहाँ से ये कपड़ा हमारा इसके बराबरी में आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ हम निशान लगा लेते हैं, उसके बाद हम कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से मिलाते हुए आपको निशान लगाना है। तो देखिए इस तरह से मैं निशान लगा दिया, अब इसे हम हटा देंगे। तो इसी तरह से आपको कर लेना है। और मैं आपको बता देती हूँ कि इसका जो चौड़ाई है वो 4-4.5 इंच आपको रखना है, ठीक है। जैसे कि 2-2.5 इंच आपका बेल्ट रह जाएगा और बाकी का यहाँ से फोल्ड हो जाएगा, ठीक है, तुरपाई के लिए। तो इसी तरह से आप रख लीजिएगा, ठीक है। तो इसे अब हम कटिंग कर लेते हैं। तो ये मैं कटिंग कर ली, ये हमारा बेल्ट है, ये हमारा आगे का पार्ट है देखिए, और ये हमारा आस्तीन है और ये बैक साइड है, ठीक है। तो अब मैं आपको कपड़े पे रख के कटिंग करके बताती हूँ किस टाइप से आपको कटिंग करना है। तो कपड़े कटिंग करने से पहले थोड़ा आप समझ लीजिए, जैसे कि देखिए इधर से भी बॉर्डर है, आप देख सकते हैं, और इधर से भी बॉर्डर है, ठीक है। तो एक साइड से हम लाएंगे बैक पार्ट के नीचे तरफ, ठीक है, और एक साइड से हम लाएंगे हाथ पे, ठीक है। जब भी आप कपड़े को कटिंग करेंगे, कोई भी कपड़ा, तो पहले आप कपड़े को देख लीजिएगा कि किस तरह से डिजाइन है, ठीक है। तो देखिए इस टाइप से मैं कपड़े को डबल कर दी, देखिए डबल फोल्ड करके रखी हूँ। तो देखिए पहले हम बैक पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे। तो देखिए इसके ऊपर मैं बैक पार्ट को रख दी। अब यहाँ थोड़ा आप समझ लीजिए, जैसे कि देखिए ये जो बॉर्डर है, तो बॉर्डर को आपको मोड़ना नहीं है, ठीक है। जितना एक्स्ट्रा है, देखिए यहाँ 1/2 इंच एक्स्ट्रा है, तो 1/2 इंच को ही हम मोड़ेंगे, देखिए। और ये जो डिजाइन वाला बॉर्डर है, इसको आपको फोल्ड नहीं करना है। तो इसे हम कैसे करेंगे, देखिए जैसे 1/2 इंच यहाँ एक्स्ट्रा है, इसमें हम पट्टी ज्वाइंट करेंगे और पट्टी को ही फोल्ड करेंगे, ठीक है। ये डिज़ाइन को आपको नहीं फोल्ड करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम एक्स्ट्रा नहीं रखेंगे कपड़े को ज़्यादा, जितना हमारा एक्स्ट्रा है 1/2 इंच, उतना ही एक्स्ट्रा आपको रखना है, ठीक है। यहाँ से हम पट्टी 1.5 इंच का पट्टी ज्वाइंट करेंगे और उसे ही फोल्ड करेंगे। तो अगर आपके पास इस टाइप का कपड़ा होगा तो ऐसे आप ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, यहीं से कपड़े को 1.5 इंच फोल्ड कर देते हैं, उसके बाद जो ये डिज़ाइन है
डिज़ाइन ही मुड़ जाता है, ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। तो इसे हम पहले कटिंग कर लेते हैं। और कभी भी आप अस्तर वाला ब्लाउज कटिंग करेंगे तो हाफ हाफ इंच आप एक्स्ट्रा ही कटिंग कीजिएगा, ठीक है। सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कटिंग करके आपको निकाल देना है। तो बैक पार्ट को मैं कटिंग कर ली, अब मैं फ्रंट पार्ट को कटिंग कर रही हूँ। तो फ्रंट पार्ट को मैं इसके ऊपर रख दी, अब हम इसे कटिंग कर लेते हैं। अब मैं आपको बेल्ट कटिंग करना बता रही हूँ। तो यहाँ देखिए जो हमारा कपड़ा बचा हुआ था इसके ऊपर हम बेल्ट को रख दिए और इसे हम कटिंग कर लेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि बेल्ट में ये बॉर्डर नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास इस तरह से बच रहा है साइड में तो ये बॉर्डर आप बेल्ट में नहीं लाइएगा, फिर ये लुक खराब कर देता है, ठीक है। अब मैं आपको आस्तीन कटिंग करना बता रही हूँ। तो देखिए ये कपड़ा हमारा डबल है, उसके बाद हम फिर से डबल कर देंगे तो ये हमारा 4 फोल्ड हो गया। अब इसके ऊपर हम आस्तीन को रखेंगे, देखिए इस टाइप से। ये बंद साइड आपको बंद तरफ से रखना है इधर से मिलाते हुए, और यहाँ से हम ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं रखेंगे। देखिए हाफ इंच एक्स्ट्रा है तो हाफ इंच एक्स्ट्रा ही हम रखेंगे, ठीक है। देखिए इस तरह से मिलाते हुए ये बॉर्डर को आपको नहीं फोल्ड करना है, ठीक है। जो हाफ इंच एक्स्ट्रा है उतना ही आपको फोल्ड करना है। अब इसे हम कटिंग कर देते हैं। तो इसे मैं कटिंग कर ली, देखिए इसे मैं सिलना आपको मैं दूसरा वीडियो में बताऊंगी। इसमें मैं आस्तीन में बीच में बर्फी डिज़ाइन दूंगी, तो ये मैं आपको दूसरा वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। और इसको बैक साइड किस तरह से सिलना है वी शेप, और वी शेप में डिज़ाइन डालूंगी तो किस टाइप से आपको सिलना है वो भी मैं आपको दूसरा वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन रखिए जैसे मैं